रुक करते हैं प्रदेश की ओर। ज्वालाजी में दिन दहाड़े एक घर में चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने बड़ी सफाई से घर का ताला तोड़कर यहां अंदर अलमारी में रखे गहनों व 20,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। घर के मालिक का कहना है कि तकरीबन 15 या 20 मिनट में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घर में चोरी की वारदात पेश आने के बाद घर के मालिक ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस के पास की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को लेकर घर के मालिक व आसपास के लोगों के बयान कलमबद्ध किए। बहरहाल पुलिस की इस मामले को लेकर छानबीन जारी है। ज्वालामुखी में दिन दहाड़े एक घर में चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने बड़ी सफाई से घर का ताला तोड़कर यहां अंदर अलमारी में रखे गहनों व 20,000 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घर के मालिक का कहना है कि तकरीबन 15 या 20 मिनट में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घर में चोरी की वारदात पेश आने के बाद घर के मालिक ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस के पास की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को लेकर घर के मालिक व आसपास के लोगों के बयान कलमबंद किए। पुलिस ने इस मामले को लेकर छानबीन जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार ये चोरी का मामला ज्वालाजी के वार्ड नंबर 2 पुराना बाजार के रहने वाले गिरीश के साथ पेश आया, जब वह दोपहर 1 बजे के करीब अपने नए घर में ताला लगाकर साथ लगते पुराने घर में किसी काम से गया। गिरीश के अनुसार इस बीच 15 या 20 मिनट बाद जब वापस ने घर की तरफ देखा तो घर का ताला टूटा है। गिरीश का कहना है कि जब अंदर जाकर उसने देखा तो घर की अलमारी खुली हुई है और उनके अंदर रखा हुआ सोने के गहनों का सेट जिसकी कीमत 70,000 के लगभग थी, इसके साथ 20,000 रुपए नकद भी गायब है। DSP ज्वालाजी तिलकराज ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही मामले को सुलझा लेगी। मैं गिरीश शर्मा, वार्ड नंबर 2 निवासी ज्वालामुखी। आज मेरे घर में दोपहर करीब 1:30 बजे चोरी हुई है। उससे पहले 1 बजे मैं अपने कमरे में गया था और अब कमरा चेक करके आया। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद मेरी मिसिज उस कमरे में गई तो उसने मेरे को बताया आके कि ऐसे ऐसे कमरे का ताला टूटा हुआ है और कमरे में चोरी हुई है और तकरीबन मेरा एक हार जिसकी कीमत 70,000 रुपये और नगद कैश 20,000 रुपये मेरा चोरी हुआ है। इसकी तत्कालीन मैंने सूचना पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी में दी और उनको अपने बयान दर्ज करवाए। अब मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इस चोरी को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और चोरों को पकड़ा जाए कि आगे से ये घटना ना हो।